उनके समय में बिहार के अंदर लोगों का तनख्वाह कितने दिनों के बाद मिलता था और कितने लोगों को तनख्वाह मिलता था? अरे बड़ा स्पष्ट है, मैं तो डेटा की बात करता हूँ। अंतिम बजट जो राबड़ी जी बनाई थी बिहार के अंदर वो लगभग 24,000 करोड़ रुपए का था। आज माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार 2,18,000 करोड़ का पिछला बजट बनाई है, तो यही बताता है कि बिहार किस प्रकार से आगे बढ़ा है, बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार के अंदर कुशल नेतृत्व खड़ा है। और इन लोगों को थोथी दलील देने से बिहार थोड़े अब पीछे मुड़ के देखने वाला है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ता रहेगा। और नीतीश कुमार जी के, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तारकिशोर जी के नेतृत्व में, रेणु देवी जी के नेतृत्व में हम लोग नई बड़ी लकीर खींचने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को कहिए पहले बिहार में रहने के लिए, जहां से जीते हैं वहां की जनता की सेवा करने के लिए। कभी सुधी लेने उनको वहां भी जाने के लिए उनको बोलिए। ये जब जब सत्र आएगा दिल्ली से आ जाएंगे, प्रवासी के जैसा जीवन जीते हैं, वो क्या बोलेंगे बिहार के लिए? उनको कोई हक नहीं है बिहार पर कुछ बोलने का, और मेरे नेता पर उनको बोलने का क्या हक है? आप जरा देख लीजिए ना, हम तो डेटा बता रहे हैं कि 2005 तक बिहार के अंदर कितना मेडिकल कॉलेज खोले हैं राबड़ी लालू जी, बता दीजिए हमको। 15 साल के शासन में कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं? 15 साल के शासन में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं? 15 साल के शासन में कितने पॉलिटेक्निक खोले हैं? हम तो डेटा की बात करते हैं कि नीति आयोग ठीक है अपने अपने तरीके से चीजों को रखता है, उसके पैरामीटर्स अलग हैं, लेकिन बिहार को हमने फर्श से उठा के आसमान में लाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। शराब को लेकर के हंगामा हो रहा है, जहरीली शराब से मौत को लेकर। देखिए शराब पीते क्यों है लोग? शराब तो शराब पर प्रतिबंध है, क्या ये लोग हिमायती हैं शराब पीने वालों का? जरा उनसे पूछिए कि ये शराब पीने वालों का हिमायती है क्या? तो संकल्प क्यों लिए थे? इनका नेता भी बिहार विधानसभा के अंदर संकल्प लिया था कि न शराब पियेंगे न शराब पीने देंगे, फिर इस बात को लेकर प्रदर्शन करना मुझे ताज्जुब होता है कि इनकी कोई नीति है कि नहीं, इनके पास कोई नेता है कि नहीं, और सदन में किस हैसियत से इनका नेता खड़ा होकर के शपथ लिया कि न मैं शराब पीऊंगा न पीने दूंगा। इस पर चर्चा करना ताज्जुब है मुझे कि किस किस प्रकार का नेतृत्व बिहार को देने की चिंता कर रहे हैं ये लोग। बिहार की जनता इससे परहेज कर रही है। विधायक है, उनका होटल है वहां पर खाली शराब। अरे ये लोग कारोबारी हैं शराब के, इसीलिए शराबबंदी से इनको तकलीफ हो रहा है ना। आरजेडी के लोग शराब के कारोबारी हैं, इसीलिए इनको इससे तकलीफ हो रही है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।